चलो फिर बताओ एक्सरसाइज टू में क्या क्या डाउट है। एक मिनट बोर्ड पहले क्लीन कराता हूँ, ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया है ना, पॉज कर दो थोड़ी देर। हाँ तो बताओ एक्सरसाइज टू में क्या क्या डाउट है। पंद्रह फोर्थ वाला ये अरे मुझे लगा आज HMT डिस्कस करना है, अभी ग्रेविटेशन ही चल रहा है। अच्छा ओके चलो फिर ग्रेविटेशन एक्सरसाइज टू का फोर देखो। एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर फोर देखो, इसमें बोला गया दो आइडेंटिकल रॉड दिए गए हैं, दोनों के मास दिए हैं, लेंथ दिए हैं, बीच की डिस्टेंस दिए हैं, उनके बीच का फोर्स निकालना है। ये भी L लेंथ है, ये भी L लेंथ है और ये भी बीच की डिस्टेंस भी L है। तो हमें देखो ये पता है कि एक रॉड के वजह से इसके एंड से कोई डिस्टेंस पर E की वैल्यू कितनी होगी, इंटेंसिटी निकालने का हमने देखा हुआ है ना। तो अगर मैं इसके एंड से कुछ वायर डिस्टेंस पर एक डी वायर थिकनेस का एक छोटा सा पार्टिकल ले लो जिसका मास कुछ डी एम है, तो इस डी एम मास पे इस रॉड की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, उस पार्टिकल का मास इनटू वहां पे जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है एम इनटू ई, ये डी एम हो रहा होगा। और डी एम का डायरेक्शन किधर होगा, सारे मास क्या होंगे अट्रैक्ट ही हो रहे होंगे ना उसकी तरफ। तो ऐसे हर एक डीएफ को अगर हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा। डीएम की वैल्यू क्या बोलूंगा, एम बाय एल इनटू डी वाई ना, एल लेंथ में एम मास है तो डी वाई लेंथ में एम बाय एल इनटू डी वाई हो जाएगा। और ई की वैल्यू कितनी बोलूंगा, इसके वजह से वायर डिस्टेंस पे ई की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने क्या बताया था जी एम अपॉन में आर स्क्वायर को क्या लिखते हो, एक इस एंड से डिस्टेंस और एक उस एंड से डिस्टेंस, ये बात क्लियर है। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, वायर की वैल्यू कहां से कहां तक रखोगे, सबसे पहला डीएम कहां है यहां पे ना, यहां से कितनी डिस्टेंस होगी एल, तो एल से टू एल तक इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन भी बताना पड़ेगा बताओ एक इंटीग्रेशन में तरीका बताया था बाय पार्ट करके ना, पार्शियल फ्रैक्शन जो करते थे याद है कुछ ऐसा, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में वाई इंटू वाई प्लस एल है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वायर माइनस वन अपॉन वायर प्लस एल, और इस हिसाब से वो ऊपर नीचे देख लेंगे कैसे सबट्रैक्ट डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन वायर माइनस वन अपॉन वायर प्लस एल, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर एक एल एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, तो नीचे भी एक एल ले लो, ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, अब तो हो ही जाएगा, फोन करके हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ ये रॉकेट का 15 15 देखते हैं सर, इसके पहले वो जो 12 वाला है ना उसमें फोर्स कहाँ कहाँ यूनिफॉर्म होगा वो नहीं समझ रहा, सरफेस पे या अंदर ही, और अंदर अरे ग्रेविटी को कैविटी के अंदर बताया था ना कि किसी भी पॉइंट पर जी की वैल्यू ई की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी और कितनी होगी तो कैविटी के सेंटर और स्फीयर के सेंटर पे डिपेंड करेगा। हां लेकिन उसका डायरेक्शन डायरेक्शन भी हर जगह यूनिफॉर्म होगा, मतलब जो सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन है उसी लाइन के अलोंग लगेगा हर पॉइंट पर, तो मतलब ऐसे कैविटी में इस पॉइंट में ऐसे हां इधर सेंटर है, हाँ सेंटर टू सेंटर वन लाइन ज्वाइन करो, इसी के पैरेलल हर जगह लगेगा, फोर्स नहीं ई हमेशा मास में अंदर को लगेगा ना, ऐसे जैसे ये इधर को सेंटर पे ऐसे होता है, हर जगह पर अंदर ही ऐसे है हाँ। मास की तरफ अंदर को हाँ।
केस तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लग नहीं रहा कि अब चल पाएगा काम। कल तो कुछ 9,000 केस आए ना, अचानक से 4-5 से 9 हो गया। तुम लोग का पूरा साल तो ऐसे ही जाने लग रहा है, 2 साल का मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट तुम लोग को ही पड़ेगा लग रहा है। तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कर ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ से डॉक्टर जब है नहीं इंडिया में, गवर्नमेंट डॉक्टर जाते तो प्राइवेट वाले को देना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, प्राइवेट वालों को देंगे नहीं। वैक्सीनेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज जी, एट द एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट सर्फेस ऑफ अनदर प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम इज 5 m/s². वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट विद टाइम ऑफ द फ्लाइट इज रफली गिवन बाय। देखो ये बोला जा रहा है कि ऐसे दो प्लैनेट हैं, एक कोई इधर प्लैनेट है, एक कोई इधर प्लैनेट है, और कोई एस्ट्रोनॉट कोई रॉकेट से इधर को जा रहा है। तो जब वो इधर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है टाइम पर? कॉन्स्टेंट है। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो इस पर वेट जो होगा वो कैसे चेंज हो रहा होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा, इस पर फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे अगर हम पर्सन पे देखें। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस पे फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। बैलेंस होना चाहिए ना, जीरो होना चाहिए। एक तो ये प्लैनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये प्लैनेट अपनी तरफ कर रहा होगा, प्लस यहाँ का नॉर्मल नीचे वाला प्लैनेट मान लो F1 लगा रहा है, ऊपर वाला प्लैनेट F2 लगा रहा है, प्लस ये जहां खड़ा होगा वहां से एक नॉर्मल ऊपर को लग रहा होगा। और ये बैलेंस है मतलब F1 बराबर होगा प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 माइनस F2। अब शुरू में क्या है, F1 की वैल्यू ज्यादा है, F2 की वैल्यू कम है ना? तो मतलब शुरू में ये टर्म क्या आएगा, प्लस में आएगा, फिर धीमे धीमे क्या हो जाता जाएगा, जब जैसे जैसे ऊपर जाओगे F1 कम होता जा रहा होगा, F2 बढ़ता जा रहा होगा, और कोई एक जगह जाकर के F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा। और बाद में जब हम इसके क्लोज पहुंच जाएंगे तो F2 ज्यादा हो जाएगा, F1 कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, F2 ज्यादा हो जाएगा, F1 कम हो जाएगा, मतलब n नेगेटिव हो जाएगा। n नेगेटिव तो नहीं हो सकता, वो सरफेस ही छोड़ देगा, n ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। नहीं अच्छा ये भी तो कम होता जा रहा है ना, ये बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से हाँ ठीक है। तो बाद में मतलब n नेगेटिव नहीं हो सकता तो जीरो कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, पहले n कम होता जाएगा और फिर बाद में जीरो हो जाएगा। तो अब इस हिसाब से कम होते जाना है और फिर जीरो ना, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब मेन बात आती है कि कैसे कम करोगे, देख उसमें आगे भी ऐसे कर दिया है ना, उसमें आगे उस प्लैनेट पे जाके क्या रॉकेट का ये डायरेक्शन चेंज करा देना है, वैसे ही होगा सर। हाँ उधर जाने के बाद फिर उधर वाले ये कुछ इधर कोई सरफेस पे आ जाएगा और वहां से नॉर्मल लग रहा होगा, कुछ वैसे होना चाहिए। तो फिर वही हो जा रहा है ना, फिर मतलब इधर जाने के बाद में ये इसके क्लोज इधर सरफेस पे आ जाएगा, कोई यहाँ पे भी कोई सरफेस है रॉकेट में चली जाएगा, तो फिर इधर का नॉर्मल लगने लग जाएगा ना, उधर F2 ज्यादा हो जाएगा, F1 कम हो जाएगा, तो फिर से n बढ़ने लगेगा ना। तो मतलब n पहले कम होगा, कहीं जीरो होगा, फिर बढ़ जाएगा और वापस से उस सरफेस पे जाके कोई एक वैल्यू हो जाएगी। तो इस हिसाब से वहां पे जब पहुंच जाएंगे तो हाँ वहां पे m into g लगा देंगे, इस प्लैनेट का वहां पे इफेक्ट लगभग खत्म हो जाएगा, और जब इस प्लैनेट पे थे तो m into g लगभग 500 इधर का रहेगा, तो ए ऑप्शन उस हिसाब से हो जाएगा। फोर्टीन वाले में देखो ये बोला गया है कोई ऐसे बेई मशीन दिया गया है और उसकी हाइट दी हुई है, ये एक की हाइट कुछ H1 है और दूसरे की हाइट H2, ये बहुत बड़ा मान लो वेइंग मशीन है और ये हाइट भी बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो अब क्या हो रहा होगा,
यहाँ पे अगर कोई चीज को रखोगे तो क्या निकालना है इसमें, दोनों साइड में एम मास रखा है तो नेट टॉर्क निकालना है ना। अगर हम यहाँ पे कोई एम मास रखे हैं तो इधर कितना फोर्स लग रहा होगा, एम जी, जो भी इधर का जी होगा ना, और इधर कोई मास रखा है तो उस पर कितना लग रहा होगा, एम इंटू जी टू। अब हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए ना, इस एक्सिस के अबाउट। ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, एल बाई टू, और ये भी एल बाई टू। तो इसके अबाउट टॉर्क देखोगे तो क्या होगा, एम जी टू इंटू एल बाई टू, और इसके टॉर्क देखोगे तो एम जी वन इंटू एल बाई टू। जी कौन सा ज्यादा होगा, जी टू या जी वन? जो अर्थ के पास होगा वो वाला जी ज्यादा होगा ना, ये पास है मतलब ये ज्यादा है वो कम है। तो टॉर्क नेट कितना लिखोगे, एम जी टू इंटू एस टू सॉरी एल बाई टू माइनस एम जी वन इंटू एल बाई टू। अब इनको कॉमन कर लो और जी टू जी वन की वैल्यू हाइट के टर्म में अपन ने देखा है ना वो डाल दो। जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर। एक बार एच की वैल्यू एस टू डालो, एक बार एच वन डालो। एच बहुत छोटा होता है यूज करते ना। हाँ तो एच तो बड़ा है, एच बड़ा है मतलब एच वन एंड एच टू इज वेरी वेरी लेस तो फिर ये वाला। हाँ नेक्स्ट तो 17 में आंसर है 17 कर रहा है, कर रहा है कुछ सभी एक बार कैलकुलेशन करते हैं। सब चला रहे तो हम भी चलाते रहते हैं, जब पुलिस वाले आ जाएंगे तब देखेंगे। सर हम लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग में बैठते हैं ना, दो दो एक नहीं वो तो है, लेकिन जब आएंगे तो वो कुछ तो कमी निकालेंगे कि वो टेम्परेचर मेजर करने वाला नहीं है, वो भी मैं सोच रहा हूँ आज मंगाई देता हूँ। और मास क्लास तो नहीं है, अभी तो बहुत सी क्लास खाली रहती है, दो तो बैठ रहे हो ऑनलाइन नहीं समझते सर, रिकॉर्डिंग तो मतलब ये तो है। तो रिकॉर्डिंग में क्या है, बीच बीच में बहुत देर तक खाली रहता है वो टाइम, तो तुम लोग और बढ़ा लिया तो सर हम तो 1.5 स्पीड पे सुनते हैं। अच्छा 1.5 पे तो सही है, आप एक तो पॉज कर देते हो अगर कुछ मजा आता है, अच्छा मजा आता है वो पॉज हो जाता है यार, वो रिकॉर्डिंग में नहीं डाल सकते ना, वो जा रहा है पब्लिक प्लेस पे, तुम लोग के अलावा बाकी भी देख लेंगे ना बाहर की क्लास को। 17 देखना था ना, सपोज द अर्थ इंक्रीजेस इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन, एट व्हाट न्यू टाइम पीरियड विल द वेट ऑफ द बॉडी ऑन इक्वेटर बिकम जीरो। इसमें क्या हुआ है, अच्छा तो आपको जैसे ये अर्थ है ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो रोटेशन की वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कितनी हो जाती है जी की वैल्यू, जी माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेटर के लिए कॉस थीटा 1 हो चुका है। अब अगर आपको यहाँ पे वेट 0 चाहिए तो उसके लिए जी डैश क्या चाहिए, 0 मतलब ओमेगा कितना चाहिए, रूट जी बाय हाफ, और हमें क्या करना है, तो एट व्हाट न्यू टाइम पीरियड, तो नया ओमेगा आ चुका है ना, इस ओमेगा पे जाकर के वो जीरो हो जाएगा, नया ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड कितना बोलोगे, 2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगा, 2 पाई फॉर्म में आर बाय जी ना, तो इसकी वैल्यू कुछ होती है 84 मिनट कुछ करे, ये आगे एसएचएम में याद कराया जाएगा ना। अच्छा हमें क्या चाहिए था, टाइम पीरियड पाई के टर्म में चाहिए, पाई के टर्म में चाहिए, और ये आगे क्या लिखा है, मिनट है सेकंड है क्या है ये, वो कुछ नहीं आवर्स ही होगा।
अपने सेकंड्स में निकाले आप 4.9 सेकंड्स सर आर में होगा फिर आर को लिख देंगे 6400 किलोमीटर है तो 10 के पावर 3 कर दिया जी की वैल्यू 10 तो हो गया 2 pi 80 into 10 ना तो कितना हो जा रहा है करो इसको चेंज क्या अभी ये सेकंड में आया ना इनकी बातों को भरोसा मत करो तुम कैलकुलेशन के पीछे नहीं पड़ो एग्जाम में बहुत दिक्कत आती है कैलकुलेशन करने की आदत डालो तुम मेरे से गलत चीजें सीख रहे हो नेक्स्ट बताओ अपन को करना था 22 ना A particle of mass m is transferred from the center of the base of a uniform solid heavy sphere of mass m and radius r to infinity work performed in the process of gravitational force exerted on the particle by the heavy sphere तो वो आपको बोला गया है एक यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर है एक यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर है तो उसको यहाँ पे रखा हुआ है उसके सेंटर पे एक पार्टिकल को रखा गया है सेंटर ऑफ बेस से और उसको वहां से उठा करके इन्फिनिटी तक ले जाना है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा इसका मास कुछ है मैं मान लो भी इसका शुरू में यहाँ का पोटेंशियल V1 है तो यहाँ पे अगर आप m मास को भी रखे हुए हो तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलोगे m into v1 फिर इसको उठा करके आप इंफिनिटी पे ले गए तो इंफिनिटी पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ना तो हमें पता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स बराबर किस पे होता है माइनस और डेल्टा यू के ना एक्सटर्नल एजेंट का होगा तो प्लस डेल्टा यू अगर वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट चाहिए तो प्लस डेल्टा यू अगर ग्रेविटी या कंजर्वेटिव फोर्स का चाहिए तो माइनस डेल्टा यू ठीक है तो ये कितना आ जाएगा माइनस फाइनल यू माइनस चेंज है ना चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल तो ये कितना आ जाएगा जो भी इनिशियल होगा उतना ही वर्क करना पड़ेगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलोगे m into v1 कितना है पोटेंशियल उसके सेंटर का अपन ने पूरे स्फीयर के लिए लिखा था वो आधे का कितना होगा मास भी आता हो जाएगा आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो तो इसका m मास है तो इसका भी m मास होगा तो दोनों का मिलाकर के पोटेंशियल कितना हो जाएगा अगर एक की वजह से v1 है तो इसकी वजह से भी v1 आएगा
तो नेट दोनों का मिला के पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2v1। तो 2v1 की वैल्यू कितनी बोलोगे? सेंटर का पोटेंशियल पूरे स्फीयर के वजह से लिख रहा हूं वो कितना होता है, जो सरफेस का होता है उसका 3/2 होता है। सरफेस का कितना होगा? माइनस जी। अभी पूरे स्फीयर का मास कितना है? माइनस जी 2m है ना, 2m / r का 3/2 टाइम। तो v1 कितना आ जाएगा? माइनस 2 कट जाएगा ना, 3/2 gm / r। ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दो। पोटेंशियल स्केलर है ना, तो सीधे ऐड सबट्रैक्ट जरूरत के हिसाब से करते हैं। सर ये जो आपने दोनों हाफ पर ऐड करके किया वो किसी और पॉइंट पे भी होगा सर? सिमेट्री है तब हमने ऐसे सोचा, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ तो उसकी वजह से इसकी वजह से सेम होगा, लेकिन यहाँ अगर पॉइंट होगा तो इसकी वजह से कुछ अलग होगा, इसकी वजह से यहाँ अलग होगा ना। दोनों तरफ से सिमेट्री होगी तब इक्वल लिख सकता हूँ। प्रभु ऐसी बातें कर रहे हो, एक चैप्टर आया था वर्क पावर एनर्जी, एक तो ये भूल जाएगा ऊपर देखो कैसे कॉन्फिडेंटली बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। डेल्टा यू का डेफिनेशन बता, क्या सुना था यू का डेफिनेशन बता एकदम, तो पहली बार जब यू पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? थोड़े फॉर्मूले अपने लिख और रिवाइज करता रहे ना, अपन ने ऐसे डिफाइन किया था डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का होगा तो स्लोली की कंडीशन भी रहेगी, और यहाँ पे कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटी हो गया, चार्ज वाला फोर्स, स्प्रिंग वाला फोर्स, वो सब कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे सी क्या मतलब ग्रेविटी का फोर्स ना, रिवाइज कर भाई क्या कर रहा है, कुछ भी भूल जाते हैं, बोलता है काम किया उन्होंने। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि तुम फोन किया रिवाइज कर। सिद्धांत कल तू कैलकुलस वाले क्लास में आया था क्या रिवीजन में? नहीं, वो कोई दूसरा सिद्धांत रहा होगा। सिद्धांत होगा, दो 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 है, दो सिद्धांत है। सिद्धांत ये कह कि क्या वहाँ के टाइम पास कर रहा है उसमें। तब करूँ डायनेस कुछ लिख नहीं रहा हो लग रहा है, सब कर डालो। आपसे आया था मैं पूछ के। अच्छा तू पहले पूछ लिया है। अच्छा नेक्स्ट बताओ। 27 तो बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है। इंटीग्रेशन का यू इक्वल टू दिया है ax + by और हमें पूछा है कि पार्टिकल पे कितना m मास के पार्टिकल का u दिया हुआ है, उस पे एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन निकालने का मतलब हमें क्या चाहिए? फोर्स कितना लग रहा है ये निकालना है। और m कैसे निकालेंगे? दो है तो दो फोर्स आएंगे ना, दोनों को वेक्टर एडिशन करो, मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड ले लो। उसमें इनटू पी स्क्वायर आ रहा है 29 में सी ऑप्शन दिया ना।
तो उसमें ऊपर इनटू के स्क्वायर आना चाहिए। अच्छा ऊपर तो 29 बाकी लोग आया है क्या? आया A projectile is fired from the surface of with the velocity kv where k is less than the maximum height attained. ना तो हमें दोनों ये पता है कि अगर हम इसको ऐसे यहाँ से फेंकते हैं तो ये कितनी maximum height तक जाएगा ये निकालना है और velocity कितनी दी हुई है उसकी ये time v और k less than 1 है ना मतलब escape velocity से कम है तो escape तो नहीं करेगा but कितने height तक जाएगा तो हमें पता है कि यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा और वो क्या हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितने का लॉस हो रहा है हाफ एम वी स्क्वायर बाद में हाईएस्ट पॉइंट पे आके सब खत्म हो जाएगा ना पूरा लॉस हो गया बराबर गेन गेन कितना बोलोगे एच हाइट पे जाने में कितने का गेन आ जाता है इसी को सॉल्व करो एच की वैल्यू आ जाएगी बॉन्डों ने वैल्यू कुछ अलग दी थी एंगल वाला अलग दिया था या सीधा वाला दिया था एंगल वाला अलग से जो प्रॉब्लम डिस्कस किया था तब कराया था सर उसके ऊपर न्यूमेरेटर में केस पर आता है सॉरी मुझे भी लग रहा है कि केस पर आता है तूने किया है सही चलो एक तो कभी चालू कर एनर्जी का लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा
तो हमें बताना है कि अगर ये मान लो आ करके कोई v स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है तो v की वैल्यू कितनी है ना? तो हम लोग यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। यहां पे जब स्टॉप हो चुका है तो अभी उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी है? जीरो। अब वो क्या हो रहा है, नीचे अट्रैक्ट होके आ रहा है ना, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी लिख देंगे, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल और फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक जीरो है, पोटेंशियल कितना बोलेंगे, माइनस जीएम बाय आर ना, ये उसका वी हुआ एम इंटू वी ना। फाइनल काइनेटिक निकालना है, फाइनल पोटेंशियल कितना बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ना। अब हमें देखो यहाँ पे ऑप्शन में ये सब नहीं दिया हुआ है, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के टर्म में दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v नॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक तो स्मॉल m पहले रख देना से कॉमन होके कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस v नॉट का स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, एस्केप वेलोसिटी के टर्म में v बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2 gm / r ना, तो ये v स्क्वायर / 2 है ना, ना मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस साइन अलग रहेगा, ये आ जाएगा v स्क्वायर / 2। कर लो आगे v की वैल्यू का, खुद समझ आया क्या किया, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो क्या था, सरफेस पे स्केप वेलोसिटी होता है माइनस जीएम बाय आर, तो यहां से जीएम बाय आर की वैल्यू निकाल के आ जाती है। पढ़ाया था मैंने, हां। नेक्स्ट 39 सर, आपने क्या एक्स्ट्रा क्लास किया, एक्स्ट्रा क्लास किया था, हां इसका फिगर बता दो 39 की बात, एक्स्ट्रा क्लास में किया था, क्या हो रहा है वो ये टेंजेंट ऑफ दिस एलिमेंट टू सेंटर ने ऐसा है ना, मतलब इसका फिगर है ये ऐसा आ रहा है, वो क्लोजर डिस्टेंस पे रेडियल जाएगा, फिर ओमेगा कंजर्व करना है एनर्जी, हां ओमेगा एंगल कंजर्व, ठीक है भाई देखते हैं। और स्पेस व्हीकल अप्रोचिंग अ प्लैनेट हैज अ स्पीड वी सेट टू पास फ्रॉम द वेरी फास्ट फ्रॉम द प्लैनेट, दो क्वेश्चन ये है कि कोई प्लैनेट है ना और कोई सैटेलाइट ऐसे आ रहा है, उसकी जो इनिशियल अगर हम टेंजेंट डालें उसकी वेलोसिटी पर, तो वो सेंटर से आर डिस्टेंस से मिस हो रहा है। अब वो कुछ ऐसे आ रहा था और कुछ ऐसे जस्ट मिस होता हुआ गया है, कितना बोला है, अच्छा एक सेकेंड, रेडियस तो अलग दिया है ना, इनिशियल डिस्टेंस आ रहा है ऐसा कुछ है, इनिशियल अगर हम देखें तो ये आर डिस्टेंस दी है, अब जब ये इधर को v वेलोसिटी से चला तो ऐसे ही चलेगा या इसके फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा ना, तो वो कुछ ऐसे पास पे जा रहा है और जस्ट मिस होते हुए ऐसे निकल गया, तो जस्ट मिस हुआ तो उसकी डिस्टेंस कितनी रह जाएगी बाद में, जो रेडियस है प्लैनेट का रेडियस आ रहा है, तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, जो भी फोर्स लग रहा है इसी सेंटर वाली लाइन के अलोंग लग रहा होगा ना, तो एक तो इस सेंटर के अबाउट इसका कोई भी टाइम पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी ना। ये मैंने एक क्वेश्चन अभी जो ग्रेविटेशन का एडवांस प्रॉब्लम वाला वीडियो देख लेने का उसमें किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, एक बार इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखो, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी कुछ वी डैश हो गई है, यहाँ का एंगुलर मोमेंटम हो, यहाँ का एंगुलर मोमेंटम लिखो सेंटर के अबाउट, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लिख ही देता हूँ एम मास है, तो एम वी आर बराबर यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखा है ना, कैसे लिखते हो, एम वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे जब ऐसे जा रहा होगा तो ये परपेंडिकुलर, और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, इनफाइनाइट पे काइनेटिक कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना होगा, जीरो, जब यहाँ आ जाएगा तो काइनेटिक है
अब पोटेंशियल कितना आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन में बस अब वी डैश और क्या नोन है इसमें वी डैश और नोन है ना तो वो तो ऊपर वाले से आ गया सर मिनिमम वैल्यू ऑफ आर अच्छा आर की वैल्यू मिनिमम वैल्यू बतानी है तो इससे आर की वैल्यू निकाल के बता तो वी डैश नहीं आर बताना है ठीक है क्लियर है ये नोट कर लूँ बस समझ लेंगे फिर इसके बाद श्रेयस कोई मौका दिया जाएगा
फिर उसमें पहला दे देते हैं पहले तो दे देते हैं एक बार रब कर दे बोर्ड एकदम क्लीन कर दे कि जो भी लिखे समझ आए क्या किया है बचपन में जब ये छोटा था तब तुरंत बताना चाहता था कुछ कुछ हो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है समझता होता जा रहा है ये मास ऑफ प्लैनेट है रेडियस ऑफ प्लैनेट है सारे डाउट पूछे जाए जो भी लगते हैं लोगों को पोर्ट लग रहा होगा वो भी बहुत बड़ा होगा तो अगर पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तो अर्थ ऊपर जा रहा होगा
तो अगर आप कितनी देर बाद जाके टकराएगा ये निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो या तो दोनों को चला रहे हो तो देखना पड़ेगा कि कौन कितना चल रहा है, या फिर केवल एक को चला रहे हो तो दूसरे का रिलेटिव एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा। अब देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर क्या है जी, एक्सरसाइज थ्री क्वेश्चन नंबर वन ना, अगर हमारा अर्थ का मास m है और इसके पास में एक 2m मास का पार्टिकल है, तो अर्थ की वजह से अगर इस पे g लग रहा है तो मतलब अर्थ की वजह से उस पे फोर्स कितना लग रहा है 2mg, और 2mg की वजह से इसका एक्सीलरेशन नीचे को कितना आएगा 2mg / 2m g आएगा, और इस पे जब लगेगा ऊपर फोर्स तो एक्शन रिएक्शन अगर इस पे 2mg लगा तो इस पे ऊपर को 2mg लगेगा, तो 2mg / m करोगे तो अर्थ कितने एक्सीलरेशन से ऊपर को जा रहा है 2mg / m करोगे तो 2g से, तो अर्थ ऊपर को 2g से आ रहा है, पार्टिकल नीचे को g से आ रहा है, तो अगर हम अर्थ को रोक देते हैं ना तो पार्टिकल कितने से आता दिखेगा अर्थ को 3g से, और पार्टिकल 3g से आ रहा है और अर्थ रुका हुआ है तो कितना चलता हुआ दिखेगा वो जो भी हाइट तो नीचे चलते हुए दिखेगा, तो बस आप लगा दोगे काइनेमेटिक्स का वो फॉर्मूला है। हां फिर s = ut + r/t² कर लेगा तो h = आ जाएगा तो क्या करते हैं होंगे, तो ये नीचे को जी से चल रहा है और ये ऊपर को टू जी से आ रहा है ना, अभी हमें मान लो एक्सेलरेशन निकालना नहीं है क्योंकि रिलेटिव नहीं यूज करना है ना, दोनों को चला रहा है तो हम क्या सोचेंगे कि ये मान लो कुछ ऊपर को y1 गया और ये नीचे को कुछ y2 आया ना, तो y1 और y2 का सम कितना होना चाहिए, h होना चाहिए ना, ये अगर ऊपर को y1 plus y2 का सम h होना चाहिए, सही बात है ना, हमें देखो अगर केवल ये y2 पता चल जाए तो ये g acceleration से नीचे आ रहा है तो y equal to half gt square लगा देंगे टाइम आ जाएगा, केवल कितना चला है वो हमें समझ आ जाए, हम अभी ग्राउंड के फ्रेम से मतलब इसके फ्रेम से बाहर देख रहे हैं ना, दोनों को चला रहा है ना, तो हम अगर देखेंगे तो ये हमें केवल y2 चलता दिखेगा ना, और इसका acceleration कितना दिखेगा g, तो y equal to y2 equal to half gt square में डाल देंगे। अब ये कितना चला है वो कैसे निकालेंगे, तो अगर हम पूरे को एक सिस्टम पकड़ते हैं तो पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा नहीं, तो हम क्या बोलेंगे जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू डेल्टा ycm, डेल्टा ycm क्या है, इसको इधर कर दो, इसको 1 बोल रहे हैं इसको 2 बोल रहे हैं ना, इसका मास कितना बोलोगे m, और ये ऊपर गया है ऊपर को प्लस पकड़ रहे हैं, दूसरे वाले का मास 2m है और वो नीचे आया है तो माइनस, तो इससे आ जाएगा y1 equal to 2 y2 ना, y1 y2 में रिलेशन आ गया, हमें y2 चाहिए तो y1 की वैल्यू यहां पे डाल दो तो ये कितना आ जाएगा 2y2 plus y2, तो इससे y2 आ गया h by 3, मतलब पार्टिकल केवल कितना चला है h by 3 चला है, तो अब उसके लिए h equal to half gt square में डाल दो तो टाइम आ जाएगा 2h by 3 का, तो समझ आया क्या क्या हुआ है, या तो रिलेटिव से कर सकते हैं या ग्राउंड के फ्रेम से, मतलब ग्राउंड तो यहाँ पर दी अर्थ है मतलब दोनों के बाहर से कहीं खड़े होकर के कर सकते हैं, भाई तू तो बादाम खा तू पहले ढेर सारे डेली, जब भी कुछ पूछा जाता है तो बोलता है भूल गया मैं, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, तो घबराता जाता है प्रेशर ले लेता है पूछने का, इसे प्यार से पूछना पड़ेगा रत्नी ने स्पीड सॉल्व करोगे क्या,
नेक्स्ट बताओ थर्ड। आपको पता है ना सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है? सेंटर ऑफ जब मास लेंगे तो m1y1 + m2y2 / m1 + m2 करेंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मास की जगह वेट देंगे ना w1y1 + w2y2 और w1 w2 कैसे निकालेंगे? m into g करेंगे। आपको जहां पे है वहां का जीरो होगा। देखो सेंटर ऑफ मास तो बीच में आ जाएगा लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालोगे तो अगर सरफेस वाले को 1 बोल रहे हो तो वहां तो g की वैल्यू है तो वहां वेट mg आएगा लेकिन सेंटर पे दूसरे पार्टिकल का वेट किया गया फेंका गया क्या है ड्रॉप
ड्रॉप फ्रॉम टेस्ट। तो अब क्या होगा, हर टनल का मास नेगलिजिबल होगा, तो मानेंगे कि ये अभी कंप्लीट स्फीयर है। तो कंप्लीट स्फीयर की वजह से क्या होगा, सेंटर की तरफ ई लगता है तो उधर कोई फोर्स फील होगा एम इन टू ई, तो ये अंदर एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा और सेंटर पे पहुंचने के बाद फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। सेंटर पे जीरो होता है ना, लेकिन सेंटर तक वो एक्सेलरेट करते गया तो उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, मैक्सिमम है ना। अब वो स्पीड की वजह से इधर निकल जाएगा, यहाँ पे उसका जो बी है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे रेस्ट पे था। अब स्पीड की वजह से वो जाएगा उधर, लेकिन फोर्स अब किधर लगेगा, जब इधर आ जाएगा पार्टिकल तो फोर्स तो सेंटर की तरफ ही लगेगा ना, बी तो सेंटर की तरफ ही होगा, तो अब वो रिटार्ड होने लगेगा ना। अब जैसे एक्सीलरेट होकर स्पीड बढ़ी थी वैसे अब यहाँ से यहाँ तक रिटार्ड होता जाएगा, और फिर कम होते होते सेम फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, जीरो। अब देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही यहाँ पे भी होगी ना, तो अगर यहाँ पे काइनेटिक जीरो है तो यहाँ पे भी काइनेटिक क्या होनी चाहिए, जीरो होगी ना। बात समझो, सरफेस का पोटेंशियल यहाँ पे पता है तो एम इन टू की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, यहाँ पे भी वही लिखोगे, यहाँ पे सरफेस पे आ गया तो फिर से यहाँ पे एम इन टू वी करोगे तो सेम पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन से बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे रेस्ट पे था तो यहाँ पे भी रेस्ट पे होगा, फिर वही चीज होगा, फिर इधर भागेगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे चलता रहता है। अब यहाँ से एक तरह से ये रेस्ट से छोड़ दिया, तो इधर आएगा, फिर स्पीड बढ़ती जाएगी यहाँ तक, फिर उधर निकल जाएगा, तो यहाँ पे ऑसिलेशन होगा, एसएचएम होगा, और उसमें टाइम जो लगता है ये टाइम आता है ना, ये एसएचएम में हम लोग प्रूव करेंगे। यहाँ से गया है तो जाना और आना ये पूरा एक ऑसिलेशन है, इसका टाइम ये है ना, इसकी वैल्यू होती है कुछ 84 मिनट के आसपास, 84.6 मिनट कुछ होती है। मतलब वो कभी सेंटर पे नहीं पहुंचेगा पार्टिकल्स, सेंटर पे रुकेगा नहीं, सेंटर पे तो पहुंच नहीं, ऐसा बोलते हैं ना फिर रीसेट आना एसएचएम करके करते हो सेंटर पे रुक जाएगा, वो तब हो सकता है जब यहाँ पे मान लो फ्रिक्शन वगैरह आप देख रहे हो सरफेस के वजह से एनर्जी का लॉस होता जा रहा है, तो अगर आपने एकदम आइडियल सिचुएशन ली है कोई लॉस नहीं हो रहा है तो हमेशा वो उसमें ऑसिलेट करता रहेगा। सर अगर इसमें हमने ये तो हो गया, अगर ये पहले इसका आंसर कर लेते हैं। अब देखो इसमें पहला पार्ट क्या बोला है, पार्टिकल विल इमर्ज फ्रॉम द अदर एंड विद वेलोसिटी, अदर एंड से इमर्ज नहीं होगा ना, वहां जाके रुक जाएगा फिर वापस आएगा, तो ये नहीं है। पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एट द सेंटर, सेंटर पे रेस्ट पे नहीं आना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू द इक्वल टू जीरो एट सेंटर ऑफ टनल, सेंटर पे वी क्या जीरो है, एम इन टू वी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का कितना रहता है, m into v, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द टनल। अब देखो आपको ये पता है कि कोई भी टाइम पे अगर मान लो ये यहाँ पे पहुंचा है सेंटर से r डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे अंदर e की वैल्यू कितनी होती है, अब है जीरो। सॉलिड स्फीयर में ये पढ़ा था ना, हॉलो नहीं है, अब क्या है सॉलिड है, तो ये E होगा, तो अंदर फोर्स कितना लगेगा, M into E, तो इतना टर्म तो कांस्टेंट है, ये R वैरी कर रहा है ना जैसे जैसे वो चल रहा है, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर फोर्स प्रोपोर्शनल है तो फोर्स अपॉन मास एक्सीलरेशन भी आएगा ना। सर एक है वो क्वेश्चन में कॉर्ड के अलावा उसमें भी सब कुछ सेम है, चला था कॉर्ड के लॉन्ग वाला भी कर देता हूँ, अगर ये टाइम साइड वाला बोलते हो वेरी गुड डाउट, डाउट तो फूल फूट के भरा है सवाल। मान लो आपने यहाँ पे टनल बनाया, तो अब कोई भी टाइम पे अगर हम देखें मान लो वो इसके सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पर है, टनल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, तो फोर्स किधर को लग रहा होगा, फोर्स तो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा ना, तो अगर मान लो ये कुछ अभी एंगल थीटा है, ये अगर r है तो थीटा के सामने वाली साइड r है ना, तो ये वाली साइड कितनी आएगी, r / sin थीटा, तो इधर को फोर्स कितना लग रहा होगा, कुछ f लग रहा होगा, f का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये एंगल भी थीटा है अल्टरनेटिव एंगल, तो इधर को आ रहा होगा f cos थीटा और इधर आ रहा होगा f sin थीटा,
f cos थीटा तो इसके वॉल से जो नॉर्मल आ रहा होगा उससे बैलेंस हो जाएगा ना। हम मान के चल रहे हैं कि टनल स्मूथ है ना, तभी के लिए वैलिड है। तो f cos थीटा n से बैलेंस हो गया, इसको इधर कौन ले जा रहा है, सेंटर की तरफ, f sin थीटा ले जा रहा है। f sin थीटा की वैल्यू लिखो, f कितना लिखोगे, इस जगह पे f लिखना है तो m into e, और e लिखने के लिए क्या करोगे, सेंटर से डिस्टेंस कितना लोगे, ये वाला sin थीटा। तो फोर्स देख लो कितना आ रहा है, सेम फोर्स आ रहा है, ये इनटू m कर देंगे, तो फोर्स का एक्सप्रेशन सेम आया, तो इसलिए टाइम पीरियड वगैरह निकालोगे फिर से सेम आता है। हाँ, यहाँ से छोड़ोगे तो ये एक्सेलरेट करता हुआ यहाँ तक आएगा, और फिर स्पीड कम होते होते यहाँ जाते फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये भी सरफेस है ये भी सरफेस है, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही यहाँ पे भी आएगी। अगर यहाँ यहाँ की पोटेंशियल सेम है तो फिर काइनेटिक भी सेम होना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन से, अगर यहाँ काइनेटिक जीरो है तो यहाँ आते आते फिर क्या हो जाएगा, जीरो, मैक्सिमम इसके सेंटर पे होगा। और ये सब सब अपन SHM में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फोर्स हमेशा किधर को लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जब यहाँ